वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट. आज की क्लासेस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. और आप इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके सामने स्क्रीन पर है. कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट वेरियंस ऑफ वाई. इसका ऑल्टरनेट फॉर्मूला क्या है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. इसका ये बेसिकली फॉर्मूला है. अब आपने ये फॉर्मूला देखा है इसके, मुझे लग नहीं रहा कि आवाज आ रही है क्योंकि किसी बच्चे से मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं. हेलो बच्चे, चैट में आके बताएं या चैट आप कर नहीं पा रहे हो. अलाउ तो है चैट, आवाज आ रही है. हेलो ठीक है फिर. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्लास थोड़ी लेट तक जाएगी, 6:30 तक मान के चलिए क्लास लेके चलेंगे, अच्छे से समझेंगे आज के टॉपिक को. वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट. आज के क्लासेस में हम कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के टॉपिक को अच्छे से समझेंगे. आप इसका फॉर्मूला भी अपने सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय वेरियंस ऑफ वाई. और इसका अपना एक अल्टरनेट फॉर्मूला भी है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. अब जैसे फॉर्मूला भी आपने देखा तो आपके माइंड में इतना कंफ्यूजन आ गया, सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आया कि सर ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, सर ये कार्ल पियर्सन क्या है, सर ये कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई क्या है इसका मतलब, सर वेरियंस ऑफ एक्स और अंडर रूट का मतलब क्या है, और वेरियंस ऑफ वाई और इसका अंडर रूट का मतलब क्या है, और स्टैंडर्ड डेविएशन फिर क्या चीज है. आपके दिमाग में 100 सवाल आ गए होंगे. और आप देखिएगा जितने भी भारत में बड़े से बड़े टीचर हैं वो सब के सब यूट्यूब पे हैं. और अगर आप इनमें से किसी भी अगर आप की क्लासेस को देखोगे, टॉपिक का नाम डालोगे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या वेरिएंस, सबके सब है ना फॉर्मूला को लिखवा कर करके और क्वेश्चंस में इसको सॉल्व कैसे करना है बस वो बता दे रहे हैं. लेकिन कोई भी टीचर ऑल ओवर इंडिया लेवल पर ये नहीं बता रहा है कि बेसिकली ये क्या है और ये किस यूज में आता है, आप इसका यूज कहां करेंगे. हाँ, ये बताने के लिए सारे के सब पूरा यूट्यूब भरा हुआ है कि इस हथियार को चलाना कैसे है, लेकिन ये हथियार चलाना कहाँ है इसका ज्ञान ही नहीं दे रहे, तो ये बहुत बहुत खतरनाक ज्ञान हो गया. आपको हथियार चलाना सिखा दें बट ये नहीं सिखाएं कि चलाना कहां पर है, तो आप क्या करेंगे, उसको गलती से अपने ऊपर ही चला बैठेंगे. जैसे एक छोटे बच्चे के हाथ में अगर आप पिस्टल दे दें और बता दें ऐसे चलाते हैं, वो क्या करेगा घर के अंदर, आप इसका अंदाजा लगाइए. तो क्योंकि आपके ये प्रैक्टिकल नॉलेज में आएगा. आप अगर MBA के लिए जाते हैं तो वहां पर आप CFA के कोर्सेज में जाते हैं, MBA के लिए जाते हैं, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम करना पड़ेगा. और आपको नॉलेज नहीं है डीप में इन चीजों की, तो ये सारा का सारा ज्ञान आपके लिए जो है, अगर आप इसको यूज नहीं कर सकते तो आगे आप सर्वाइव करेंगे, ट्रबल करेंगे. तो बड़े डिटेल में समझने की रिक्वायरमेंट है, एक तो अपने आने वाले फ्यूचर के लिए भी और अभी करंट में जो आपका सेमेस्टर चल रहा है उसके सिलेबस के परस्पेक्टिव से भी. क्योंकि अभी जो आपके करंट में सिलेबस चल रहा है उसमें आपको फॉर्मूला ये आपको कितने पढ़ लो आपके दिमाग में रहेगा ही नहीं. तो अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो फॉर्मूला और सब कुछ आप अच्छे समझ पाएंगे. सवालों के अंदर आप सवाल आपको उलझा नहीं सकता, आप इजिली पकड़ लेंगे. तो बहुत डिटेल में समझने की जरूरत है. और मैं कोशिश सबसे पहले मैं इसके क्वेश्चंस पे मैं लेकर के आपको नहीं जाऊंगा. देख रहे हैं क्वेश्चंस तो है बच्चे, मैं क्वेश्चन पे लेकर के नहीं जाऊंगा कि क्वेश्चंस वगैरह क्या है, एग्जाम्स में आए हुए सवाल है, मैं नहीं करवाता सॉल्व, बाद में करवाऊंगा. मैं पहले आपको समझाऊंगा कि ये जो आपके पास में वेरियंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये सारी बातों को हम समझेंगे. क्लियर है? उसके बाद हम जाएंगे इसका फॉर्मूला क्या है, उसके बाद हम जाएंगे कि सवाल होता क्या, उसके बाद समझेंगे कि चीजें किस तरीके से क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करना है. तो चलिए बच्चे, आज की क्लासेस में सबसे पहले मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं इसके कॉन्सेप्ट पे ऊपर बात करूंगा. हां जी,
देखिए टॉपिक क्या हमारे पास है? डिस्पर्जन। एक टॉपिक होता है डिस्पर्जन, कहानी इसकी शुरुआत होती है डिस्पर्जन से। अब डिस्पर्जन क्या होता है, सवाल अब यह है, तो आइए डिस्पर्जन को समझते हैं। डिस्पर्जन को समझने के लिए आपको पहले एवरेज को समझना होगा। एक एग्जांपल लेता हूं बच्चे, मान लीजिए आप जो है अमेरिका में कोई एक पर्सन बैठा हुआ है और वो सोचता है कि इंडिया के अंदर मैं एक शोरूम स्टार्ट करूं जिसमें ब्रांडेड चीजें रखूंगा मैं, और क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, क्राउडेड एरिया है, डिमांड ज्यादा होगी तो अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज है। तो उसने प्लान करा कि इंडिया के अंदर ब्रांडेड चीजों की जो है शोरूम को स्टैब्लिश किया जाए, और रहता वो अमेरिका में है, इंडिया कोई खास पहले कभी आया भी नहीं है, बस सुना है, पैसा है, सोचता है इन्वेस्ट करने की बस। तो ऐसे शोरूम को खोलने के लिए पहले तो करोड़ों रुपए का उसको जो है बिल्डिंग वगैरह, या फिर उसको लाखों रुपए का रेंट, उसके बाद उस सारा का सारा जो स्टॉक वगैरह मैनेज करेगा, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस उसके बाद स्टार्ट होता है, और उसको यहाँ के बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो रिस्की है एक सीधा खोल देना। पहले वो सर्वे करवाएगा कि भाई मैं जो ब्रांड मेरा है वो स्टार्टिंग 15,000 रुपीज से, 15,000 रुपए से स्टार्ट है, और अगर लोगों की इनकम का लेवल अगर ये काफी अच्छा नहीं हुआ तो वो तो इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो समझदार है, वो कहेगा पहले सर्वे करवाते हैं और लोगों की एवरेज इनकम का पता लगाते हैं कि लोगों की एवरेज इनकम क्या है। अब एवरेज का क्या रोल है? अब उन्होंने बोला लोगों की इनकम के बारे में पता लगाते हैं, तो किसी एक को अपॉइंट कर दिया उस एरिया में जहां पर शोरूम को स्टैब्लिश करना है, और बोला कि उसके आसपास के सभी सिटी का, पूरी सिटी का आप इनकम पता करके बताओ कि लोगों की इनकम क्या है। मिस्टर एक्स को अपॉइंट कराए, मिस्टर ए ने, मिस्टर अमेरिकन जो भी है, मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स को अपॉइंट कर दिया, या मिस्टर आई को अपॉइंट कर दिया, किसी एक इंडियन को अपॉइंट कर दिया मिस्टर ए ने, किसी अमेरिकन ने, और मिस्टर ए क्या, मिस्टर आई क्या कहता है जो एक इंडिया में अपॉइंट करा है किसी को, वो कहता है मिस्टर ए को, अमेरिकन को, सर लोगों को सर्वे करवाया, लोगों के इनकम का पता लगाया है, कुछ इनकम इस तरीके से है कि एक की इनकम 18,000 है, एक की इनकम 25,000 है, एक की इनकम 5,000 है, एक की इनकम 50,000 है। हजारों लोगों का, लाखों लोगों का डेटा क्या ऐसे फोन पे देगा? और ऐसे अगर फोन पे दे भी देगा तो वो सुन करके क्या किसी कंक्लूजन पे जा पाएगा, किसी कम किसी की ज्यादा? खुद इतनी मेहनत करने के बाद भी, डाटा कलेक्ट करने के बाद भी, इतना बड़ा डाटा एक्सप्रेस करने के बाद भी, सुनने के बाद भी वो किसी कंक्लूजन पे नहीं जा पाएगा कि एस्टैब्लिश करना है या नहीं करना है। तो बेस्ट तरीका क्या है कि उसको एक एवरेज सैलरी बता देनी है उस सिटी की। इसका क्या मतलब है? जो भी लोग अर्न कर रहे हैं उनकी इनकम का सम कर देते हैं, और जितने भी नंबर ऑफ पर्सन हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं कि एवरेज सैलरी बता देते हैं। और एवरेज सैलरी यहां पर ये बता दिया कि सर एवरेज सैलरी यहां के जो है लोगों की 15,000 रुपीज पर मंथ है। उसका ब्रांड ही स्टार्ट होता है 14-15 हजार रुपए से, तो वो डिसीजन ले लेगा, यार नहीं, लोगों की इनकम इतनी नहीं है जो कि मेरे ब्रांड को अफोर्ड कर पाए, पूरी इनकम ही इतनी है कि जो मेरे ब्रांड की प्राइस है। तो फाइनल डिसीजन ये लिया जाएगा कि यहां पर मुझे अपना शोरूम स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि यहां पर मुझे लॉस हो जाएगा, लोग इसको बाय नहीं करेंगे मेरे जो गुड्स को, प्रोडक्ट को, और वो कंपनी एक हैवी लॉस से अपने आप को बचा लेती है। किसकी हेल्प से? एक एवरेज की हेल्प से, स्टैट्स की हेल्प से। ये इंपॉर्टेंस है स्टैट्स की। और एवरेज क्या था आपको पता लगा? डेटा का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि ईच पे क्या शेयरिंग है, सर एवरेज ही है। लेकिन एवरेज, अब मान लो अगर ऐसे होता, मेरी बात समझिए पहले, तो एवरेज को देख कर करके आप डिसीजन ले सकते हो? ये बताओ पहले मुझे, क्या एवरेज से आप अपने एक डिसीजन पर पहुंच सकते हैं? हाँ, एवरेज से आप एक डिसीजन ले सकते हैं। आप ऐसा कह रहे हैं कि सर एवरेज सही है, एवरेज से हम किसी कंक्लूजन पे जा सकते हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं हम एवरेज की हेल्प से। नहीं बच्चे, क्योंकि कई बार एवरेज धोखा दे देता है, आपको बड़ा नुकसान करवा देगा। एवरेज कई बार जो सच्चाई है उससे अलग भी कुछ हो सकता है। कैसे? समझिएगा, उस सिटी में मुकेश अंबानी का भी अगर मैं घर डाल दूं, एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, एक ऐसी सिटी है वहां पे एक मुकेश अंबानी जी भी रहते हैं, और उनकी इनकम कितनी ज्यादा है आपको पता है, बाकी लोगों की इनकम कम है,
एक सिर्फ मुकेश अंबानी की वजह से एवरेज इनकम कितनी ज्यादा हो जाएगी भाई साहब? 5 लाख रुपए पर मंथ एवरेज इनकम है। आपको क्या, हाँ 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 शोरूम स्टार्ट करना चाहिए, लगाओ पैसा, 15,000 रुपए का ब्रांड है, 5 लाख रुपए की लोग एवरेज इनकम है, स्टार्ट करो शोरूम। पता लगा भाई साहब कुछ बिक ही नहीं रहा है। आपको क्या, कैसे नहीं बिक रहा यार, लोग तो यहाँ पे बड़े 5-5 लाख रुपए महीना कमाने वाले थे। पता लगा एवरेज के अंदर एक बंदा था अंबानी, जिसकी इतनी ज्यादा इनकम थी कि उसने पूरा का पूरा जो है डेटा ही इन्फ्लुएंस कर दिया अपने इंडिविजुअलिटी से। तो वहां एवरेज बहुत हाई आ गया था, बट सच्चाई रियलिटी है कि बाकी लोगों की इनकम इस लेवल की नहीं थी। तो बताइए जरा, एवरेज में कोई एक डेटा ऐसा हो सकता है जो पूरे एवरेज को इन्फ्लुएंस कर सकता है या नहीं कर सकता है? अब आपके क्लासरूम की मैं बात कर देता हूं, आपकी क्लासेस में इस समय 20 साल और 19 साल के बच्चे बैठे हुए हैं, 21 साल के बच्चे बैठे हुए हैं, और इसी क्लास में एक 100 साल का बंदा भी बिठा दूं मैं, तो आपके एवरेज कहां जाएगी? पहुंच जाओगे 28-30 पे, जबकि ऐसा क्लासेस की रियलिटी नहीं है। तो एवरेज के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करना भी सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं एवरेज कितना ऑथेंटिक है, कितना ओरिजिनलिटी है, एवरेज कितना ओरिजिनल है, इस चीज को चेक करना चाहिए। ये नहीं एवरेज निकाल लिया और उस पर डिसीजन ले लिया। एवरेज कितना रिलायबल है, कितना ओरिजिनल है, कितनी रियलिटी को एक्सप्रेस कर पा रहा है, उस चीज को भी हमें चेक करना चाहिए। और उस चीज को चेक कैसे करते हैं, मेरी बात समझिएगा, उस चीज को हम चेक करते हैं डिस्पर्जन के थ्रू। किसको? एवरेज कितना ओरिजिनल है, डेटा को कितने अच्छे तरीके से वो एक्सप्रेस कर पा रहा है। ठीक है ना, पता लगे डेटा आकाश है, एवरेज पाताल बता रहा है उसको, या डेटा पाताल है, एवरेज उसको आकाश बता दे रहा है, तो सारा का सारा रुझान ही गलत हो जाएगा, डिसीजन ही गलत दिशा में चली जाएगी। तो एवरेज के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करना ठीक नहीं है, मतलब मीन के ऊपर। हमें मीन कितना ओरिजिनल है उसको भी हमें चेक करना चाहिए। कैसे चेक करेंगे समझिएगा, एक एग्जांपल लेता हूं, सारी कहानी समझ में आपको आ जाएगी धीरे धीरे। बस कमेंट में कमेंट चलाते रहियो, चलाते रहना, ऐसे सुन होकर के मत बैठो। देखो बच्चे, एक डेटा है, ठीक है, और डेटा मैं मान लेता हूं कि डेटा क्या है हमारे पास में, 10, 12, 5, 7, 8, 10 लिखिएगा 20, ठीक है, ये कुछ डेटा ले लिया मैंने। अब ये डेटा है, इसका मैं मीन निकालना चाहता हूं, मीन क्या होगा? तो मीन आपको पता है कैसे निकालते हैं, डेटा का सम करेंगे। तो डेटा का सम कितना है आपके पास में, 20 और 10 30, 30 और आपके पास 30 और 38, 38 और 7 आपके पास में, देख लेते हैं, 20 और 10 30, 30 और 8 38, 38 और आपके पास 7 45 और 5 50, और कितने डिवाइडेड बाय 5। तो मीन एवरेज कितना है आपका, 10 एवरेज आया, क्लियर है? तो मैं ये मीन मतलब कि मेरा डेटा लगभग लगभग 10 के आसपास है, या फिर मैं इसमें, अब ये क्या चीज है, आप पे मार्क्स बता देता हूं, या फिर आप एज बता दो, या फिर आप वेट, कुछ भी आप मान लीजिए बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप चलिए एज मानना चाहते हैं, एज मान लीजिए कि एक बच्चा 5 साल का है, एक बच्चा 7 साल का है परिवार में, एक बच्चा 8 साल का है, एक बच्चा 10 साल का है, और एक बच्चा 20 साल का है। ये बच्चों के डेटा है, और आप उन्होंने एवरेज एज अपने फैमिली के बच्चों की बता रहे हैं, तो आप 10 साल अपने फैमिली की उन्होंने एवरेज एज बताएंगे। सामने वाला समझ जाएगा बच्चे किस एज के हैं, 10 साल के, तो मतलब वो पूरा पूरा एक जो है मन में एक इमेज आ जाएगा कि 10 साल के बड़े हैं बच्चे, 10 साल इतने बड़े हैं। तो ये आपका एवरेज आ गया। लेकिन अब चेक करते हैं कि आपका ओरिजिनल डेटा और आपका मीन बेसिकली कितने एक दूसरे से डिस्टेंस पर है। तो कितने डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस पर है इससे 5 के, मैं पॉजिटिव डिस्टेंस ले रहा हूं। हाँ आपका सर 5 में से 10 माइनस करो, 10 में से 5 माइनस करो, मैं बस पॉजिटिव डिफरेंस ले रहा हूं। एक्चुअल डेटा 7 है और मेरा मीन है, तो कितने डिस्टेंस पे हो गया, 3 पे। ये कितना हो गया मेरा पास में, ये डिस्टेंस, ये कितने डिस्टेंस पे, ये 2 के डिस्टेंस पे है। ये कितने डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस पे है, ये बात समझ रहे हैं आप कैसे कर रहा हूं? ये कितने डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस पे है, ये 0 डिस्टेंस पे है, और ये कितने डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस पे 10 पे डिस्टेंस पे। ये क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम बोलते हैं डेविएशन।
इसको हम बोलते हैं डेविएशन, विचलन भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब जो मेरा ये जो डिफरेंसेस है मीन और एक्चुअल डेटा के बीच का, बेसिकली पूरा का पूरा डिफरेंस कितना निकल करके आया हमारा, 10 दो 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20, और ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को दोबारा मैं मीन निकाल रहा हूं पांचों पे, तो एवरेज डिस्टेंस क्या आया 4। इसका मतलब ये है कि मेरा मीन 10 है और ये डिस्टेंस एवरेज जो है डिस्टेंस है, बोल दो आप कि जो डिस्टेंस का जो डेविएशन है उसका भी एवरेज है, तो मेरा मीन 10 है लेकिन मेरा एक्चुअल डेटा मीन से लगभग लगभग जो है औसतन 4 की दूरी पे बना हुआ है। तो अगर मुझे बात पता लग गई कि मेरा मीन 10 है और औसतन दूरी 4 की है, तो कोई डेटा 14 भी हो सकता है, कोई डेटा 6 भी हो सकता है, मतलब कि कहीं ना कहीं डिफरेंसेस 4 का मेंटेन है। तो इसका मतलब है कि 10 मेरा मीन है, कोई 4 ऊपर और 4 नीचे, इस डिस्टेंस पे डेटा मेरा चल रहा है, कोई 4 ऊपर है तो कोई 4 नीचे, तो मेरे मीन और एक्चुअल डेटा बेसिकली एक दूसरे से 4 की दूरी बनाए हुए हैं। तो मीन 10 है और 4 की दूरी बनाए हुए हैं, ओहो तो बड़ी दूरी है, अब 10 समझ रहे हो, लेकिन 4 की डिस्टेंस 14 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो इससे पता लगता है कि बिल्कुल मीन को यहां पर इतना रिलायबल मीन नहीं है जो बिल्कुल डेटा के क्लोज नहीं है। हाँ, अगर 10 मेरा मीन था और 1 मेरा एवरेज डिस्टेंस आ जाता तो हाँ लगभग लगभग जो मेरा एक्चुअल डेटा है इसके आसपास है, 1 के आसपास है, या 2 होता तो भी ठीक था, चलो 10 है तो कोई 12 कोई 8 है तो इसके आसपास है, लेकिन मीन से थोड़ा सा दूरी बना के बैठा हुआ डेटा। तो जो मेरा मीन को लेकर के एक इमेज मेरे मन में सेट करना और एक्चुअल ग्राउंड पे जो इमेज का होना उसमें फर्क है। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है आपका डेविएशन, एवरेज डेविएशन। तो इसको हम बोलते हैं, इसको इसी चीज को हम इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेविएशन, इसको हम बोलेंगे मीन डेविएशन। सेम चीज, अब सेम चीज जरा समझिएगा, यहां पर मैंने एक चीज करा, क्या करा मैंने एक चीज को कि मैंने जो डिफरेंस लिया था मैंने सबको पॉजिटिव लिया था, मैंने माइनस का साइन को अवॉइड कर दिया, हटो यहां से। लेकिन मैथ्स गणित के अंदर क्या अब्स्ट्रैक्ट्स के अंदर क्या आप किसी साइन को अपने मुताबिक नजरअंदाज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो पूरा का पूरा एक एप्रोप्रिएट मेथड होना चाहिए ना। पहले आपको आपको स्टैंडर्ड आपको मीन डेविएशन मतलब समझ में आया क्या होता है, पर स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं होता, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही चीज होती है, मैं बताऊंगा रुक जाइए, पहले आप मीन डेविएशन को समझवाएं, मीन डेविएशन क्या होता है कमेंट में आप जरा यस और नो करके बताएंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। कमेंट में बताओ बच्चे पहले ये बात समझ में आपको आई या नहीं आई, ठीक है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि भैया मीन के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, बात समझ रहे हैं आप। एक बैट्समैन आया और पहले मैच में 0, अगले मैच में 0, अगले मैच में 0, पांचवे मैच में 200, एवरेज स्कोर क्या निकलेगा उसका, पहले में 0 0 0 0, 200 रन मार दिए, एवरेज के सम ऑफ रन डिवाइडेड बाय 5, ओहो एवरेज स्कोर क्या आया 40, हर मैच में आके 40 की परफॉर्मेंस है। भाई साहब ये मीन बहुत ही झूठा और फ्रेब है, क्योंकि उसका ऐसा है ही नहीं, बाकी सब में 0 मारा है उसने, बस 1 में 200 उसके लग गए। तो हम मीन की रियलिटी चेक कैसे करते हैं, हमें मीन डेविएशन भी निकालना होगा, 40 का डिफरेंस है, 40 का डिफरेंस है, 40 का डिफरेंस है, 40 का डिफरेंस है, 160 का डिफरेंस है, सॉल्व करेंगे 0 4 8 12 16 और 6 आपका 22 और 2 और 3 और कितने मैच का हो गया 5 मैच का, तो 5 6 30, 2 5 4 20 64, अच्छा एवरेज मैं बता रहा हूं 40 है, लेकिन मेरा एवरेज एक्चुअल डेटा से 64 के डिस्टेंस पे हो सकता है, क्या मतलब है इसका, यानी क्या मतलब है इसका
कि मेरा एक्चुअल डेटा 64-40 बता रहा हूं, मेरा एवरेज 64 और 64 अगर मेरा कम हुआ तो माइनस में भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एवरेज फरेब है, ये फरेबी है, ये धोखा दे रहा है। तो आपको किससे पता लग रहा है इसकी फरेबी? ये पता लग पा रहा है आपको मीन डेविएशन के थ्रू। तो मीन की मीन कितना रिलायबिलिटी है उसके चेक करने के लिए हमें मीन डेविएशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि मीन और एक्चुअल डेटा के बीच के जो डिफरेंस होता है उसका मीन होता है, कि मेरा मीन एक्चुअल डेटा से और एवरेज का डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा है। ये बात समझ में आपको आई? अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आगे चल सकते हैं। लेकिन यहां पर ये मैंने मीन कितना मेरा ओरिजिनल है, मीन मेरा कितना रिलायबल है उसको मैंने चेक कर लिया मीन डेविएशन के थ्रू, सब कुछ ठीक है। बस एक समस्या है कि मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉलो नहीं करा, मैंने माइनस के साइन को जबरदस्ती इग्नोर मारा है, जबकि गणित में स्टैट्स में आप ऐसे किसी चीज को अवॉइड नहीं कर सकते हो, आपको पूरे का पूरा आपको मैथड फॉलो करना पड़ता है। तो आइए सेम एग्जाम्पल को एक प्रॉपर मैथड से करते हैं। 5, 7, 8 क्या था बच्चे डेटा हमारे पास में? 5, 7, 8, 10, 20 डेटा हमारे पास में था बच्चे 5, 7, 8, 10, 20 और एक चीज बताऊं मैं, जैसे बच्चे एक संख्या 9 है, एक संख्या 9 है, एवरेज क्या होगा? 10 / 2 एवरेज 5 होगा। मतलब कि ऑन एन एवरेज दोनों डेटा 5-5 के आसपास है, जबकि दोनों में से कोई भी 5 के आसपास है? नहीं है। आपका एवरेज बता रहा है कि दोनों 5 के आसपास है, 5-5 है, पर दोनों में से ऐसा कुछ भी नहीं है, एक है एक 9 है। तो ये मुझे ये मेरा गलत बता रहा है, कैसे पता लगेगा? डिफरेंस देखो कितना आया 4, डिफरेंस देखो कितना आया 4/4। तो मेरा एवरेज क्या बता रहा है? 5। लेकिन जो मेरा ये एवरेज है एक्चुअल डेटा से क्या डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा है? ये 4 का डिस्टेंस। तो है खुद पूरा कुल मिलाकर के 5, क्लियर है 5, और एक्चुअल डेटा इसके 4 का डिस्टेंस हो सकता है मीन का। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 4 जो है ये डिफरेंस हो सकता है मेरा एक्चुअल डेटा और एवरेज डिफरेंस है 5 × 100, तो सॉल्व करेंगे 20। मतलब कि इसका मतलब यह है बच्चे, मेरे मीन का 80% चीजें वैरी कर सकता है। 80% जो मेरा एक्चुअल डेटा है उसका जो वैरी कर रहा है, जो वेरिएंस आ रहा है उसके अंदर, वो लगभग मेरे मीन का 80% का आ रहा है। तो मीन का इतना ज्यादा वैरी कर देना कि मीन जो है वो कह रहा है भैया मैं जो बता रहा हूं सबका एवरेज, लेकिन इसका 80% मेरे से 80% चीजें ज्यादा और कम भी हो सकती है, तो किस बात का मीन है भाई? फिर तो किस बात का डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? जब तेरे से बहुत दूर है, चीजें बहुत नीचे हैं, फिर किस बात के आप रिप्रेजेंट करने वाले एक नंबर है? क्योंकि मीन तो एक ऐसा नंबर है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। आप अपने क्लासरूम में बच्चों को जरा एक एवरेज एज निकाल के देखो, आपका वो आएगा जो पूरी क्लास में लगभग सारे बच्चे होंगे, वो एवरेज बढ़िया है, वो मीन सही है। तो यहां पर बेसिकली, और जरा ये देखो आप यहां पर 10 है ना, 6 और 4 जरा लेते हैं, इसका एवरेज कितना आया? 6 + 4 10/2 5। अगर मैं इस मीन से डिफरेंस लूंगा तो क्या आया मेरे पास में? 1। क्या डिफरेंस आया मेरे पास में? 1। जमा करूंगा 2/1। देखिए कितना ऑथेंटिक है कि मेरा मीन 5 है, बट मेरा जो एवरेज डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस उसका एवरेज 1 है। तो मेरा एक्चुअल डेटा मेरे मीन से 1 ज्यादा 1 कम हो सकता है। तो ठीक है, मेरा 5 है, 1 ज्यादा 1 कम, तो मतलब कि मेरा मीन लगभग अपने डेटा को, एक्चुअल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो कर भी रहा है। एक्चुअल डेटा 6 और 4 है, मेरा मीन 5 है, तो इसके आसपास की चीजें हैं। बात समझ रहे हैं आप? तो ये देखिएगा, आपका मीन डेविएशन इस बात को साबित कर दे रहा है कि आप जो है आपका मीन कितना रिलायबल है, आपका मीन जो है कितना रिलायबल है। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं मीन डेविएशन, क्लियर है? लेकिन मैंने माइनस के साइन को क्या करा, इसमें अवॉइड करा है। तो चलिए, अब माइनस के साइन को हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका मीन निकालते हैं डेटा का। तो हम एक्स बार इक्वल्स टू 30 और 38 और 45 5 50 / 5 और हमारे पास में क्या है 10। तो एक काम करते हैं, हम स्मॉल एक्स ले लेते हैं, मतलब आप डी भी बोल सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है, लोग डी भी बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं। बेसिकली क्या होगा कि एक्स में से आप मीन माइनस कर दो, डेटा में से एवरेज माइनस कर दो, तो 5 में से 10 माइनस करोगे तो यार ये तो क्या हुआ, ये तो माइनस का 5 आएगा।
माइनस साइन अवॉइड नहीं करना, वो ठीक है आपने, आपका मीन डेविएशन एक टॉपिक है, वो आपको समझा दिया मैंने, अभी उसके ऊपर क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने, बस अभी कॉन्सेप्ट को समझिए क्या है वो, माइनस साइन अवॉइड करना है, बट एक केस सिचुएशन ये भी कि आपको माइनस साइन अवॉइड नहीं करना है, तो 10 करेंगे तो माइनस 3, 10 करेंगे तो माइनस 2, 10 करेंगे 0, 10 करेंगे 10, समीशन करते हैं इसका, ये समझ में आया आपको। लेकिन आप माइनस का साइन आपके पास में आया तो लेकिन डिस्टेंस किस में, माइनस के साइन में नहीं होता है, तो क्या करें, एक काम करते हैं, माइनस के साइन को अवॉइड करने के लिए इसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस के साइन को अवॉइड करने के लिए इसका क्या कर देते हैं, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा मेरे पास में 9, ये हो जाएगा 4, 0, 100, जो डेविएशन था ना उसका मैंने स्क्वायर कर दिया, जो डिस्टेंस था उसका स्क्वायर कर दिया, क्यों, ताकि माइनस का पॉजिटिव हो जाए। और सर ये तो गलत बात है भाई, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होना चाहिए आपका, तो पॉजिटिव होने के लिए क्या आप स्क्वायर कर दोगे, अरे भाई घबरा क्यों, क्यों इतने पैनिक क्यों हो रहे, उसको मैं भी रूट करके वापस कहानी चली जाएगी, एक काम मेरी बात सुनो, 6 है मेरा दिल कर रहा है मैं इसको कर दूं, क्या फर्क पड़ जाएगा इसके ऊपर, नहीं नहीं क्या फर्क पड़ जाएगा बताए तो सही, 6 को लिख सकता हूं ऐसे भाई, अधिकार है, तो ऐसे मैं स्क्वायर करके बाद में रूट कर दूंगा, समझ रहे हैं कहानी को, हाँ जी स्क्वायर कर दिया, तो सबसे पहले जो आपने स्क्वायर करा ना बच्चे, तो क्या आया ये सम मेरे पास में, ये मेरे पास में आया 125 और 9, 134 और 138 सिग्मा एक्स स्क्वायर, और अगर मैं बच्चे इसका सिग्मा एक्स स्क्वायर को अगर डिवाइड बाय मैं एन कर दूं 5 से, क्या 5 × 5 = 10, 3 × 5 = 10, 3 × 5 = 35, 3 × 5 = 30, 27.6, इसका मैंने क्या करा स्क्वायर का सम करके डिवाइड कर दिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेरिएंस, क्या बोलते हैं इसको हम वेरिएंस, तो वेरिएंस के बारे में एक चीज आपको समझ में आई, वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा कैपिटल एक्स नहीं स्मॉल एक्स, मतलब कि स्मॉल एक्स क्या होता है, एक्स और मीन का डिफरेंस, स्क्वायर का सम, तो वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे निकला पता लगा आपको, वेरिएंस होता है, लेकिन आपको पता है कि ये तो जबरदस्ती का स्क्वायर है ना, तो एक काम करते हैं हम फिर इसको इसके ऊपर रूट कर देते हैं, किसके ऊपर, ये जबरदस्ती का स्क्वायर है, इसके ऊपर रूट करते हैं हम, किसके ऊपर, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन के ऊपर रूट कर देते हैं, या फिर हम जो हमने वेरिएंस निकाला है, वेरिएंस ऑफ एक्स निकाला है जो हमने, इसको पर रूट कर देते हैं, ताकि चीजें जो स्क्वायर करके इफेक्ट पड़ा वो इफेक्ट को न्यूट्रल कर दिया जाए, तो अगर हम रूट कर देंगे इसका तो क्या आएगा हमारे पास में, हाँ जी 27.6 का रूट, क्लियर है बच्चे 5.25। अब आप यहां देखें मीन डेविएशन क्या बता रहा था, कि मेरा एक्चुअल डेटा मेरे मीन से, मेरा मीन 10 है और मेरा एक्चुअल डेटा मेरे मीन से 4 की दूरी बनाकर चल रहा है औसतन, 4 ऊपर है 4 नीचे, और मेरा वेरिएंस निकाला, मेरा डेविएशन निकाला, फिर उसके नेगेटिव साइन को हटाने के लिए उसका स्क्वायर करा, उसका सम करके बांटा जिसको हम वेरिएंस कहते हैं, फिर उसका अंडर रूट करा मैंने, वेरिएंस अंडर रूट कर देना, ये क्या है, ये वेरिएंस है, ये क्या है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, इस अंडर रूट ऑफ वेरिएंस को हम क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या बोलते हैं इसको हम स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड वर्ड क्यों आया, स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन एक ऐसा जिसका अपना एक स्टैंडर्ड है, क्यों स्टैंडर्ड है, क्योंकि इसमें माइनस के साइन को अवॉइड नहीं किया गया है बतौर उसको लेके चले हम, उसके लिए स्टैंडर्ड है, मैथमेटिकल ऑपरेशन को फॉलो कर रहा है पूरी तरीके से, उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। आपके मन में धीरे धीरे फॉर्मूला भी बस रहा होगा बच्चे, और एक बात और समझिए, जिस तरीके से चाय से आप अपना मूड फ्रेश करते हैं, लेकिन चाय नहीं मिलता आपको तो आप कॉफी पी करके अपना दिल बहला लेते हैं, जिस तरीके से बॉल पेन से आप लिखते हैं पेपर में, बॉल पेन खत्म हो गया, किसी से आपने पेन मांगा, जेल पेन आपको मिला, जेल पेन से पेपर अटेम्प्ट कर दिया, मतलब सब्स्टिट्यूट का यूज कर लिया आपने,
सब्स्टिट्यूट चीज बोलते हैं इसको, उसी तरीके से मीन डेविएशन का सब्स्टिट्यूट स्टैंडर्ड डेविएशन है। दोनों का सेम पर्पज है कि हमारा मीन कितना ओरिजिनल है, हमारा जो एवरेज है वो कितना रिलायबल है, उसको उसको जो चेक करने के लिए जो मीन डेविएशन का हमने यूज किया था उसका एक ऑल्टरनेट वे और है, जो तरीका मैंने सेकंड पेज पे आपको बताया, इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो मीन की रियलिटी को चेक करने का प्रोसेस है मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरियंस। वेरियंस की वैल्यू जितनी हाई होगी स्टैंडर्ड डेविएशन उतना बड़ा आएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन जितना बड़ा आएगा आपको पता है कि मीन उतना कम रिलायबल होगा। इस मीन डेविएशन वेरियंस जितना छोटा होगा रूट करके वैल्यू उतनी छोटी बनेगी, स्टैंडर्ड डेविएशन उतना छोटा होगा, इसका मतलब यह है कि आपका मीन और एक्चुअल डेटा के बीच का डिफरेंसेस कम है, मतलब मीन क्लोज है अपने ओरिजिनल डेटा के, तो मीन उतना ही रिलायबल है। भाई मेरी बात समझे या नहीं समझे, हाँ या ना कर दो। अब आप बताइए भाई, पूरा यूट्यूब छान लीजिए बच्चे, CFA का कोर्स हो, MBA का कोर्स हो, कोई भी कोर्स हो, आज तक किसी ने डिस्पर्जन को एक्सप्लेन नहीं करा। हाँ, डिस्पर्जन ऐसे ऐसे ऐसे, मीन डेविएशन ऐसे ऐसे ऐसे, पता नहीं क्या ही है यार। हाँ जी, समझ रहे हैं इस चीज को, कोई डाउट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो अब आपको, मुझे पूरे उम्मीद है कि आपको वेरिएंस का फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा, बेसिकली एक्चुअल डेटा और मीन का जो डिफरेंसेस है उसको नेगेटिव साइन में आ गया तो उसको स्क्वायर कर दिया, उसका सम डिवाइड बाय एन कर दिया, ये वेरिएंस हो गया। क्लियर है बच्चे? अब कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उस बात को भी समझेंगे हम। फिलहाल आप इस बात को समझ पाए ये बताएं, एक एक चीज करके हम सब पर आएंगे। चलिए अब देखिएगा, अब आपको बात समझ में आएगा। कोवेरियंस, कोवेरियंस लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको मैंने, कोवेरियंस जरा देखिएगा, क्या लास्ट क्लासेस में आपने कोवेरियंस को नहीं पढ़ा था आपने? कोवेरियंस एक्स एंड वाई, कोरिलेशन टॉपिक चल रहा है हमारा, दो डेटा के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम कोरिलेशन कहते हैं, पॉजिटिव रिलेशन और नेगेटिव रिलेशन, याद कीजिए जो लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ा था, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन, सिग्मा स्मॉल एक्स वाई अपॉन एन, नहीं याद आ रहे हैं? कोवेरियंस क्या होता है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन में एन, कोवेरियंस ऑफ एक्स, डेटा एक्स एंड वाई, मतलब दोनों में रिलेशन कैसा है, तो सिग्मा स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई अपॉन में एन, क्या मतलब है पता है ना आपको, एक्स का उसकी मीन के साथ में जो डिस्टेंस है, वाई का उसकी मीन के साथ में डिस्टेंस है, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई का मल्टीपल, उनको समीशन डिवाइडेड बाय एन। हां जी, तो आपको पता लगा वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ एक्स क्या होता है, आपको पता लगा ना, एक्स में से एक्स बार को माइनस करो जो आएगा उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन, यही होता है। क्लियर है बच्चे? और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट वेरियंस। भाई मेरी बात से सहमत हैं आप, ये सारी बातें समझ में आपको आ गई हैं? क्लियर है? और आप फॉर्मूला समझिए पूरा का पूरा क्या है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स सीरीज है वाई सीरीज है, उसका कोवेरियंस ले लेना है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन में एन कर कर करके, सिग्मा एक्स मतलब कि आपका एक्स में एक्स का मीन माइनस कर कर करके, वाई में वाई का मीन माइनस कर करके, स्मॉल वाई स्मॉल एक्स उसका मल्टीप्लाई, उसका फिर सम, और आप एन कर लेना कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। उसके बाद आपके पास में वेरियंस अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स, खैर आप वेरियंस के ऊपर रूट डाल देंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन वही बताता है जो कि आपका मीन डेविएशन बताता है, दोनों एक ही चीज होती है। नहीं चेक करो, देखो चार बताया था, मीन डेविएशन चार और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका पांच, तो लगभग क्लोज है, मैंने परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं बोला, सब्स्टिट्यूट बोला है मैंने, बॉल पेन जेल पेन में कुछ तो फर्क रह गई। क्लियर बच्चे? वेरियंस ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ वाई, और उसका अंडर रूट होता है, आप इसको बोल सकते हैं वेरियंस के ऊपर रूट का होना स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन ये होता है, ये साइन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है? तो इसी को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई भी कह सकते हैं, तो अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ वाई, और वेरियंस के ऊपर रूट का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का होना, बात समझे? चलिए, द कोरिलेशन बिटवीन द कोवेरियंस बिटवीन द
लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फाइव आइटम्स इज द सिक्स, देखिएगा कोवेरियंस, कोवेरियंस आपका एक्स का और वाई का क्या है, सिक्स, एंड देयर स्टैंडर्डाइजेशन आर 2.5 एंड 2.6। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या है, 2.61, 2.45, और एक और स्टैंडर्ड डेविएशन है, दो सीरीज होती है ना बच्चे कोरिलेशन में, क्या है 2.61। अब फाइंड द कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द लेंथ एंड वेट। अब कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन मतलब समझाऊंगा मैं आपको, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी इस जितना समझा उस प्रोसेस को, पहले इस फॉर्मूले को आप सही तरीके से डाइजेस्ट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, कोवेरियंस एक्स एंड वाई, याद है आपको फॉर्मूला, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, या रूट वेरियंस ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ वाई। तो को वेरियंस क्या है सिक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक का क्या है 2.45, क्या 2.61। तो सॉल्व करेंगे इसको हम, सिक्स, सिक्स डिवाइडेड 2.45, 2.45 मल्टीप्लाई बाय 2.61, 6 अपॉन 6.3945, ठीक है बच्चे, एंड 6 डिवाइडेड बाय 6.39, और जब कैलकुलेटर हाथ में हो ना तो कोई चीज मुश्किल नहीं हो सकती है, 0.9383। जितनी वैल्यू 1 होगी या 1 के क्लोज होगी उतने ही जो है आपके पास पे आपका मीन ऑथेंटिक होगा। क्लियर है बात, समझ गए, 1 के जितने नियरेस्ट वैल्यू होगी चीजें उतनी ज्यादा आपस में रिलेटेड होगी।